Let's start question number 22 of exercise 16a. The length and breadth of a rectangular park is the ratio 4 ratio 3. The cost of fencing the park at rupees 15.25 per meter is rupees 2135. Find the perimeter perimeter of the park also find the length of its side lengths of the sides. तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशो कितना है फोर रेशो थ्री कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क यानी कि वन मीटर फैंस करने के लिए कितने रुपीस चाहिए फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव तो उन्होंने पूरा उसको फैंस कर दिया यानी कि चारों तरफ से उसको किसी भी चीज़ से घेर दिया चाहे वायर से चाहे आप बाउंड्री से कुछ भी कह सकते हैं पर मीटर इज़ रुपीज़ टोटल कॉस्ट जो है वो कितना आया टू थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी फाइव तो फर्स्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क पेरी मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ इक्वल टू बच्चों क्या होता है टोटल कॉस्ट जितनी भी फेंस करने में लगी होती है उसको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर से यदि डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर टोटल कॉस्ट इज़ टू थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी फाइव एंड कॉस्ट ऑफ़ फेंसिंग पर मीटर फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव डेसीमल रिमूव करेंगे यहाँ पर आफ्टर डेसीमल टू डज इट वीर राइट हेयर हंड्रेड तो वट इज़ टू वन थ्री फाइव जीरो ज़ीरो डिवाइडेड बाई फि वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव नौ डिवाइड बाई वन जन फाइव टू फाइव ज़ीरो वन एलेवन माइनस फाइव सिक्स फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फोरजा क्या होता है बच्चों सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड जीरो लिया तो यहां पर कितना आ गया जीरो तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना आ गया बच्चों इट इज वन हंड्रेड फोर्टी मीटर अब ये जो हमें खर्चा दिया है पर मीटर के हिसाब से दिया है इसलिए इसमें पेरीमीटर भी किस में आएगा मीटर में नाउ रेशो ऑफ़ लेंथ एंड ब्रेथ इज़ इक्वल टू फोर रेशो थ्री किस में है ये फोर रेशो थ्री में है तो लेंथ लेट्स लेंथ टू बी फोर एक्स एंड ब्रेथ टू बी थ्री एक्स नाउ राइट द फॉर्मूला पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू टू इंटू एल प्लस बी तो हमने यहाँ पर क्या लिखा वन फोर्टी इज वल टू टू इंटू फोर एक्स प्लस थ्री एक्स वन डिवाइडेड बाई टू कितना आ गया सेवेंटी और यहाँ पर फोर एक्स प्लस थ्री एक्स कितना हो गया सेवन एक्स सेवन एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी अपॉन सेवन इज इक्वल टू टेन मीटर क्लियर अब आपको लेंथ निकालना है लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू कितना दिया लिया था हमने फोर एक्स इट मीन्स फोर इंटू टेन इज इक्वल टू फोर्टी मीटर ब्रेथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू थ्री एक्स मीन्स थ्री इंटू टेन इज इक्वल टू थर्टी मीटर यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी सेवन कट ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी सेवन हम इसको नहीं कर रहे हैं ठीक है नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अ मैन वॉक्स अराउंड द सर्कुलर पार्क फोर टाइम्स इन ट्वेल्व मिनिट्स द रेडियस ऑफ द पार्क इज फोर्टी नाइन मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन किलोमीटर पर आर यूज पाई इज इक्वल टू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन वी टेक रेडियस ऑफ पार्क गिवन फोर्टी नाइन मीटर अब आपको बच्चों उसमें वो कितने चक्कर लगाता है फोर टाइम्स घूमता है उस पार्क के चारों और इट मीन्स ही कवर्ड डिस्टेंस फॉर फोर राउंड्स ठीक है डिस्टेंस ऑफ वन राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क इज इक्वल टू सरकमफियरेंस ऑफ पार्क एवरी वन नो you know distance of one round is equal to circumference of the circular park now first we find circ circumference of park circumference of park is equal to 2 pi r it here 2 is pi is equal to 22 upon 7 r is equal to 49 7 sevens 49 22 7 twos 14 14 twos are 28, 14 twos are 28, or 2, 308 meter distance covered by a man in one round of circular park. Okay? Distance of one round is equal to 308 meter, distance of four round is equal to 308 multiply by 4 is equal to 4 8s are 32, 4 3s are 12. One थाउजेंड थ्री वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन इन फोर फोर राउंड राइट हीयर वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन इन फोर राउंड अब आपको स्पीड बतानी है स्पीड किसमें बतानी है किलोमीटर पर आर में किसमें बतानी है बच्चों फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन किलोमीटर पर आर इट मींस डिस्टेंस कन्वर्ट इन कन्वर्ट इन किलोमीटर एंड टाइम कन्वर्ट द आर्स हाउ मेनी टाइम गिवन मिनट्स तो हम इसको पहले चेंज करेंगे वन थाउजेंड मीटर इज इक्वल टू वन किलोमीटर वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू मीटर इज इक्वल टू वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड डेसीमल बिफोर द थ्री डिजिट तो कितना आ गया वन पॉइंट टू थ्री टू किलोमीटर्स टाइम हमें ट्वेल्व मिनट्स दिया हुआ है तो आप इसमें सिक्सटी मिनट्स इज इक्वल टू वन आर वन मिनट इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्सटी आर्स ट्वेल्व मिनट्स इज इक्वल टू ट्व इन टू वन अपॉन सिक्सटी ठीक है तो हमने क्या लिखा ट्वेल्व अपॉन सिक्सटी आर्स नाउ स्पीड इज इक्वल टू सभी को साइंस में फॉर्मूला मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस कितना है वन पॉइंट टू थ्री टू डिवाइडेड बाय ट्वेल्व अपॉन सिक्सटी अपॉन के नीचे भी अपॉन है तो इसका डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा ऊपर वन टू वन पॉइंट टू थ्री टू मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव दिक्सटी 60 वन पॉइंट टू थ्री टू मल्टीप्लाई बाय फाइव फाइव टू जो टेन फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन और वन सिक्सटीन फाइव टू ज़ा टेन और वन अलेवन फाइव वन जा फाइव और वन सिक्स डेसिमल बिफोर दैट थ्री डिजिट तो कितना आ गया ये सिक्स पॉइंट वन सिक्स जीरो किलोमीटर तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ द मैन इज सिक्स पॉइंट वन सिक्स जीरो किलोमीटर पर आर यहाँ पर भी लिखेंगे किलोमीटर पर आर क्लियर एवरी वन नाउ आई एम सेंडिंग अ वर्कशीट इन दिस वर्कशीट वी विल डू क्वेश्चन नंबर वन एवरी वन डू ऑल द क्वेश्चन इन योर नोटबुक और मैंने बताया आपको कि ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी सेवन तक क्वेश्चन कट करा दिए हैं उसके अलावा क्वेश्चन नंबर वन का वर्कशीट मैं भेज रही हूँ जो आप सभी लोग अपनी नोटबुक में कर लेंगे ठीक है